हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं आप, टॉपिक है हमारा आज का 2024 का बायो का पेपर। ठीक है, देख सकते हैं आप 2024 जीव विज्ञान का पेपर है आज। इसका हम फुल सॉल्यूशन वीडियो इस बोर्ड की कॉपी पे करने वाले हैं। ठीक है, फुल सॉल्यूशन वीडियो करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना ताकि आपको ये जो हम आज बायो का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं उससे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो ये वायरल हो रहा बायो का पेपर है जिसका आज हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको कॉपी सॉल्व करना बताएंगे, कॉपी पे कैसे लिखा जाता है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, तो चलिए बात कर लें। देख सकते हैं आप, पेपर का हमारा कोड है 348 CL। पेपर का हमारे कोड है 348 CL। पूर्णांक देख सकते हैं आप, 70 नंबर का इसका पूर्णांक है और समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। समय है 3 घंटे 15 मिनट का और 2024 का जीव विज्ञान का वायरल हो रहा पेपर है जिसका हम फुल सॉल्यूशन वीडियो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 में 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो देख लीजिए। पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। क्या हल्के परागकण, विकल्प नंबर 1 है, क्या हल्के परागकण वायु की परागण हैं, या फिर बेहतर अनावृत पुंकेसर क्या ये वायु के परागण हैं, या फिर वृहत एवं पिच वर्तिकाग्र क्या ये वायु के परागण हैं, या फिर अशंक बीजांड क्या ये वायु के परागण हैं। तो जैसा कि बता दें हम आपको, ये तीनों ही वायु के परागण हैं और जो एक विशेषता नहीं है वायु के परागण की वो है अशंक बीजांड। ठीक है, ये अशंक बीजांड वायु के परागण की विशेषता नहीं है। ठीक, अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ठीक है, दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। देख सकते हैं आप, इसके जो विकल्प हैं वो हैं लाइसिन, सिन मिथायोनिन, वैलिन या फिर शेरिन। ठीक है, तो दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल में जो एमिनो अम्ल का प्रतिस्थापन होता है वो होता है वैलिन का। विकल्प नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंद होते हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंद होते हैं। पहला विकल्प है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 2 या 1। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड बंद होते हैं। कितने पेप्टाइड बंद होते हैं, 4 पेप्टाइड बंद होते हैं किसी भी प्रतिरक्षी अणु में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूल परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं होती। बायोरिएक्टर की वृद्धि को कायम रखने वाली अनुकूल परिस्थितियों में से कौन सी नहीं होती। क्या तापमान नहीं होता है, या फिर विटामिन नहीं होता, या फिर लवण नहीं होता। तो बायोरिएक्टर में क्या होता है कि ये तीनों ही चीज़ें उपस्थित होती हैं। बायोरिएक्टर की वृद्धि को कायम रखने के लिए तापमान भी ज़रूरी है, विटामिन्स भी ज़रूरी है और लवण भी ज़रूरी है। तो इसमें से विकल्प कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। तो अब इसे कॉपी पे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। आपको क्या डालना है, यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, फिर क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 में 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे का डालेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन काफ़ी लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखा और विकल्प बता दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जितना आप टीचर को परेशान करेंगे उतने ही नंबर आपके काट देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर और विकल्प। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है जैसे लॉन्ग टाइप में, तो उसमें आप हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। उत्तर है हमारा असंक बीजांड, जो कि विकल्प किस में है, विकल्प 4 सही है, विकल्प 4 में था और यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल में के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। विकल्प आंसर इसका है वैलिन और विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा।
प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंड होते हैं? पेप्टाइड बंडों की संख्या 4 होती है। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूल परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कोई सी भी ऐसी, जितने भी विकल्प दिए गए थे, कोई सी भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो बायोरिएक्टर की वृद्धि के लिए कायम ना रखने वाली हो, ठीक है। इसलिए हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। तो अगले हैं हमारे निश्चित उत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो दूसरे का क, प्रश्नोत्तर संख्या आपको 2 डालनी है, फिर उसका क, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिए, आग्जेलिस और कोमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं? उन पुष्पों का नाम बताना है, ठीक है, उन पुष्पों का आपको नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं, आग्जेलिस और कोमेलाइना पुष्प कौन से दो प्रकार के पुष्पों का निर्माण करते हैं? तो सिंपल आपको यहाँ पे करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क डालना है और आंसर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ पादप जैसे कि वायोल, इनको क्या बोला जाता है, समान पानसी, ठीक है। कुछ पादप जैसे वायोल यानी सामान्य पानसी आग्जेलिस होते हैं, ठीक है, और तथा कोमेलाइना, इनको कनकौवा बोला जाता है, ठीक। कुछ पादप जैसे वायोल जिसको समान पानसी बोला जाता है या आग्जेलिस बोला जाता है, तथा कोमेलिना जिसको कनकौवा बोला जाता है, ये दो प्रकार के पुष्पों को पैदा करते, कौन से हैं ये पुष्प? तो पहला नंबर है उन्मील परागणी पुष्प, जिसको क्या बोला जाता है, चैस्मोगैमस, क्या बोला जाता है, चैस्मोगैमस बोला जाता है। दूसरे हैं अनउन्मीलीय परागणी पुष्प, जिसको बोला जाता है क्लिस्टोगैमस, चैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, ठीक। उन्मील परागणी पुष्प, अनुमलीय परागणी पुष्प, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, ठीक है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था और उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम बताइए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था, उस जीवाणु से जनित रोग का भी नाम बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सिंपल डाला है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख, ठीक। अब आंसर कैसे देना है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने शोध में किसके ऊपर प्रयोग किया था, चूहे के ऊपर अपना प्रयोग किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना शोध में चूहे पर इंजेक्शन लगा के प्रयोग किया था, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने न्यूमोकाकस यानी स्ट्रेट तो काकस न्यूमोनी नामक जीवाणु लिया था, जिसको अपने इंजेक्शन में भर कर चूहे को लगा दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी नामक जीवाणु को अपने इंजेक्शन में भर कर चूहों को सुई लगाई थी, ठीक है। किसको लगाई थी, चूहों को सुई लगाई थी, और देखा क्या था कि चूहों में संक्रमण फैल गया था। इन्होंने क्या किया था, जब इस जीवाणु को अपने इंजेक्शन में भरकर चूहों पर प्रयोग किया तो चूहों में संक्रमण फैल गया था, जिसके कारण चूहों को क्या हो गया था, निमोनिया नामक रोग हो गया था, जिसके कारण चूहों को निमोनिया नामक रोग हो गया था, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताना है, ठीक है। स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का हमें नाम बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग, ठीक। लिखना कैसे है, स्त्री जनन तंत्र के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होती हैं, ठीक है। स्त्री जनन तंत्र के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होती हैं, जिनको कीपक बोला जाता है, ठीक है। और यही कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलती हैं जाके, यही कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलती हैं, जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जिसको तुम्बिका या एम्पुला नामक ग्रंथि बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरे का घ, मेंडल का वंशागत सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा? मेंडल का वंशागत सिद्धांत किन कारणों से 1900 ईस्वी तक अज्ञात रहा? इसके दो कारणों का हमें नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं वो दो कारण कौन से। तो आपको इसका आंसर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा डाल के, ठीक है। अब लिखना कैसे है, मेंडल का वंशागति सिद्धांत एक प्रकार का जैविक वंशा
वंशानुक्रम है, ठीक है। मेंडल का वंशागति सिद्धांत एक प्रकार का जैविक वंशानुक्रम है, ठीक है। आजकल जो भी वंशागति सिद्धांत है वो मेंडल के ही नियम की रूपरेखा है, ठीक है। आज भी जो पौधों में या जो मनुष्यों में वंशागति सिद्धांत है वो मेंडल का ही परिणाम है, ठीक है। तो मेंडल का जो वंशागति सिद्धांत है एक प्रकार का जैविक वंशानुक्रम सिद्धांत है, ठीक है, जो कि 1865 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था, मटर के दानों पे इसका प्रयोग किया था। सबसे पहले इन्होंने अपना जो प्रयोग किया मटर के दानों में किया, मटर को बोया और देखा कि इसमें किस प्रकार की जैविक वंशागति होती है, ठीक है। तो कुछ पौधे कैसे उगे, कुछ पौधे एक जैसे उगे, जैसे कि मतलब कि कुछ पौधे बड़े बड़े थे लेकिन उसमें क्या हुआ, कुछ पौधे छोटे छोटे भी निकल रहे थे, कोई और भी छोटा हो गया। तो इसी सिद्धांत को 1900 ईस्वी के बाद, ठीक है, इनमें क्या थी, इनमें कुछ विवाद रह गया था, इनकी जो परिकल्पना थी उनमें कुछ विवाद रह गया था, जिसके बाद 1900 ईस्वी के बाद 2-3 वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की और बाद में उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को और ज़्यादा इनका जो सिद्धांत था उसको क्या कर दिया, उसको मान्यता दे दी, ठीक, कि जिस प्रकार मटर के दानों में वंशागति होती है उसी प्रकार मनुष्यों में भी वंशागति होती। लेकिन इनका सिद्धांत फेल क्यों रहा और 1900 के बाद ही क्यों वो हुआ, वो देख लीजिए, ठीक है। 1865 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया परंतु ये सिद्धांत विवादास्पद होने के कारण अज्ञात रहा। बाद में 1900 ईस्वी में विलियम वेटसन ने इनके सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, ठीक है। इनका सिद्धांत जो दब के रह गया था उसको विलियम वेटसन ने इसको लोकप्रियता प्रदान की और सारे विश्व में मेंडल का सिद्धांत लागू हो गया, ठीक है। मेंडल का ही वंशागति सिद्धांत लागू हुआ, ठीक। इनके सिद्धांत में क्या थी, क्या बुराइयां थी जिसके कारण 1900 के बाद ही ये लोकप्रिय बने, इनका जो सिद्धांत था, संचार की सुविधा आज के जैसी नहीं थी, जैसे कि आजकल मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है। तो इन उस टाइम पे क्या थी, ऐसी संचार की सुविधाएं नहीं थी कि लोगों तक इनका सिद्धांत पहुंचाया जा सके, ठीक है। इनका सिद्धांत एक कुछ कागजों पे ही बेस रह गया, तो जो ज़्यादा लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो संचार की सुविधाएं नहीं थी जिसके कारण इनका सिद्धांत आगे नहीं बढ़ पाया था। और दूसरा जो कारण रहा है वो है गणितीय शब्दावली के कारण वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गणितीय शब्दावली दी थी, ठीक है। जैसे हम लोग बायो पढ़ रहे हैं तो हमें मैथ की चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि उन्होंने क्या किया था, गणितीय व्याख्या के आधार पर किया था, जिसको समझना वैज्ञानिकों के लिए बहुत कठिन था। इसीलिए मेंडल का वंशागति सिद्धांत 1900 के बाद लोगों ने जाना है, ठीक है, सन 1900 ईस्वी के बाद ही लोगों तक पहुँच पाया है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया के नाम हमें लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमें डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ। हमें क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ डालना है। और आंसर कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जो दो साइनोबैक्टीरिया हैं उनके नाम है नाश्टक, अजोला और एनबीएना। क्या बोला जाता है, एनाबीना बोला जाता है, ठीक है। तो दो पूछे गए थे, हमने 3 के नाम लिखे, नाश्टक, अजोला, एनाबीना, ठीक। ये दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्नोत्तर संख्या हमारी 3 है, मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, व्याख्या कीजिए। मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण होता है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आगे आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क। क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क, ठीक है। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस संकरण द्वारा किया जाता है। मटर के लंबे पौधों का जो जीनोटाइप निर्धारण है वो परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस संकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, अब भैया टेस्ट क्रॉस संकरण क्या होता है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस
जब F1 पीढ़ी का क्रॉस हम अप्रभावी जनक के साथ करा देते हैं, F1 पीढ़ी का जो क्रॉस है अप्रभावी जनक के साथ करा देते हैं, उस संकरण को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस संकरण कहते हैं। इस जीनोटाइप संकरण को हम टेस्ट क्रॉस संकरण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए। सहविलुप्तता की व्याख्या हमें करनी है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा। क्या डालना है आपको? प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? सहविलुप्तता का, सहविलुप्तता का सामान्य अर्थ है जब एक जाति, जब कोई एक जाति विलुप्त हो जाती है। ठीक है, जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां विलुप्त हो जाती हैं। जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित जो दूसरी जंतु व पादप जातियां हैं वो विलुप्त होने लगती हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? सहविलुप्तता कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप, परपोषी मत्स्य, जो परपोषी मछलियाँ हैं, मछलियों की जो जाति है परपोषी मत्स्य जाति, जो परपोषी मत्स्य जाति हैं उनके जो परजीवी हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सहविलुप्तता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लैक प्रचालेख। ठीक, लैक प्रचालेख ओपेरॉन में जेड व वाई जीन किस एंजाइम के का कूटलेखन करते हैं, उनके कार्यों का उल्लेख करना है। लैक प्रचालेख ओपेरॉन में जेड एवं वाई जीन किस प्रकार के एंजाइम का कूटलेखन करते हैं, उसके कार्यों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आगे आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घा। ठीक है, आगे आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घा। इसमें आपको लिखना है लेड प्रचालेख कूटलेखन में जो जेड और वाई हैं वो किस प्रकार क्या करते हैं, किस प्रकार कूटलेखन करते हैं। तो जो जेड है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है। क्या होता है? जेड वाला जो है वो है होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक, जो कि लैक्टोज का विघटन करता है। जो जेड वाला एंजाइम है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जो कि लैक्टोज का विघटन करता है। ठीक है, और जो वाई है वो क्या है? वो है परमिएज। ठीक, वो परमिएज है और पारगम्यता को बढ़ाता है। ये वाला जेड वाला जो है वो लैक्टोज का विघटन करता है और जो वाई वाला है वो पारगम्यता को बढ़ाता है। ठीक है, इस प्रकार ये लैंग प्रचालेख का कूटलेखन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या बोल रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है जैविक कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो जैविक कार्बनिक खेती पर टिप्पणी हमें लिखनी। ठीक है, तो जैविक खेती क्या बोला जाता है? जैविक खेती यानी कि जो आप विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थों का हैं उनका आप उनकी खेती ना करें। जैसे आपकी यूरिया हो गई, तो ये सब क्या है? रासायनिक खादें हैं। इनका बिना यूज़ किए हुए हमें खेती करना। जैसे पहले क्या होता था, पहले के लोग गोबर डाल के खाद बनाते थे और उस पर खेती करते। तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि आप कार्बनिक खेती करें। ठीक है, और जो विभिन्न प्रकार के रसायन यूज होते हैं खेतियों में उनका उपयोग ना करें, और ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं? जैविक या कार्बनिक खेती कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और उसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है चौथे का क, आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है। आभासी फल एवं वास्तविक फल में हमें अंतर बताना है। सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों, ये हमें बताना है। ठीक है, आपका 3 नंबर, डेढ़ नंबर इन दोनों क्वेश्चन के मिलते हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है मेंडल ने अपने प्रयोगों में हरे मटर के पौधों का चयन ही क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा है विडोलित हॉज रिएक्टर की व्याख्या करनी है। विडोलित हॉज रिएक्टर की व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित करनी है। संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित करनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है पांचवे का अंडजनन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखी निरूपण कीजिए। कि अंडजनन के जो व्यवस्थात्मक चार्ट है उसका हमें क्या करना है? प्रारूप बनाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनसे पुनर्योजन DNA को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा घा नंबर प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उदाहरणों को की व्याख्या करनी है। उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। ठीक है,
उदाहरण सहित प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण किस प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित हमें बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है छठवे का वर्णांद पिता कि सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर वर्णांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, ये वंशावली चार्ट सहित बताना है। ठीक है, वर्णांध पिता कि सामान्य पुत्री का विवाह जब सामान्य पुरुष से होता है फिर भी उसको वर्णांधता हो जाती है, उसके लक्षण पुत्र में दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, वंशावली चार्ट द्वारा दिखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है जानवरों और मवेशियों और सुअरों को मारकर उसके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के तीन भागों की कमियों का उल्लेख करना है। ठीक है, जानवरों यानी मवेशियों और सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन को तीन भागों में उनकी कमियों का उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वस्थाने यानी इन सीटू एवं बहस्थाने एक्स सीटू पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। अगला क्वेश्चन हमारा है स्पर्धा एवं परजीविता की उदाहरण सहित व्याख्या करनी। ठीक है, स्पर्धा और परजीविता की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन हमारा विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन है, सातवां है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर विभेद करना है, बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपरिक पर। ठीक है, बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपरिक पर, परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति पर, अध्यावरण एवं बीज चोल पे। ठीक है, अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं या फिर अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, प्रसव को परिभाषित कीजिए, प्रसव क्या होता है इसको परिभाषित करना है, इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों का एक विवरण देना है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान जो विभिन्न हार्मोन आते हैं उपयोग में उसका विवरण हमें देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आठवां है, निम्नलिखित क्रोमोसोमीय असमान विन्यास से उत्पन्न विकारों का वर्णन करना है। ठीक है, क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता यानी एकाधि सूत्रता हमें बतानी है या XXY ये क्या होते हैं ये हमें बताना है। अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में भी आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर अथवा वाला, अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो या तो आप आठवें का ये पहला वाला कर लीजिए या फिर अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नवा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ठीक है, एडनोसिन डीएमिनेज की कमी, एडनोसिन डीएमिनेज की कमी क्या होती है ये बताना है, या फिर अंतर जातीय स्पर्धा उदाहरण सहित बतानी है, या फिर मानव जीनोम परियोजना बतानी है कि मानव जीनोम परियोजना क्या होती है। अथवा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। संस्पर्श दमन क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है ये बताना है। संस्पर्श संदमन क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं ये बताना है। पाँच नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था आपका बायो का पेपर। ठीक है, क्लास 12th बायो का पेपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बायो का पेपर अच्छे से समझ में आया, जो हमने कॉपी पर लिख के बताया आपको लिखना समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।